यो व्हाट इज अप यूट्यूब, दिस इज माय डैड इंडस्ट्रीज। एंड गाइस, अगर आप लोग मुझे जानते हो तो जब मैं छोटा था, मतलब जब मैंने आर्ट को समझना शुरू करा था, स्टार्ट करी थी आर्ट, उस टाइम के ऊपर मेरे को मतलब इतने ज़्यादा हाई क्वालिटी वाले सप्लायर्स नहीं मिल पाते थे, जैसे कि अभी मैं लगभग हर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करता हूँ ये चीज़, हॉट ग्लू गन, जो कि 300 एंड ये 7 स्टिक है तो 70 रुपीज़, तो 370 रुपीज़ की ये हॉट ग्लू गन का पूरा हो जाता है। इट्स सो मच एक्सपेंसिव। बट गाइस, जब मैं छोटा था तो मेरे पास में हॉट ग्लू गन तो थी नहीं, तब मैं यूज़ करता था ये चीज़। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी है, हालांकि फिर अभी भी मैं यूज़ करता हूँ, बट ये जो फेविकॉल है ये बहुत ही ज़्यादा चीप होती है। एंड गाइस, इसकी रेट है ओनली एंड ओनली 20 रुपीज़। सो पहले मैं ये यूज़ करता था। एंड गाइस, उस और मैं पेंट की तरह अभी हमेशा यूज़ करता हूँ ये फैब्रिक पेंट, जो कि 90 रुपीज़ के हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड पर पहले मैं यूज़ करता था ये वाले पेंट्स। ये जो कलर है आप लोग देख रहे हैं, ये डॉम्स के कलर है और ये बहुत ही ज़्यादा चीप होते हैं, लगभग 20 रुपीज़ के अंदर आपको आराम से मिल जाता है। बाय द वे, दिस इज़ माय फर्स्ट गिफ्ट, थैंक यू चेतन। वाले कलर यूज़ करता था। एंड गाइस, टेप की तरह तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा डंजन की तरह लेकर आता हूँ, बट उस टाइम में मैं ये टेप यूज़ करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप है, ओनली एंड ओनली 10 या फिर 7 रुपीज़, या इसके ऊपर लिखा हुआ है 7 रुपीज़ की है ये। सो गाइस, अभी भी मतलब मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा कम सप्लायंस लेकर आऊँ और मतलब सेव कर पाऊँ। सो गाइस, मैं आज कोशिश करने वाला हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते के अंदर एक कूल डायरामा बना सकूँ। मैंने पहले बनाया था इतना बड़ा क्रिसमस डायरामा, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक क्रिसमस का नहीं, एक छोटा सा ओल्ड हाउस डायरामा। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। एंड गाइस, मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास में आई थिंक 5 घंटों का वक्त है, ऑलमोस्ट 5 घंटों का, क्योंकि आज हम लोग ननिहाल जा रहे हैं वापस से। सो या, लेट जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो, बाय बाय।
Okay, so guys, अभी मैंने मम्मी से और मेरे छोटे भाई से मतलब बहुत देर तक बातें कर ली, वीडियो कॉल करा था जस्ट अभी अभी। एंड गाइस, ये रहा हमारा घर पूरा पूरा लगभग लगभग फिनिश ऑफ हो चुका है। फ्रंट का बहुत ही ज़्यादा एपिक लग रहा है मुझे तो अभी हम लोग इसके ऊपर देंगे एक पेंट जॉब। उसके बाद में ये मेरा अब तक का सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ होने वाली है, हम लोग इसके अंदर लाइट भी लगाएंगे। सो या Without any further ado, let's just get into this video. क्या बोलता हूँ मैं? Nope. सो गाइस, जब मैंने सारे के सारे क्रैक्स वगैरह बना लिए थे, आई डिसाइडेड टू पेंट दिस बिल्डिंग ग्रीन। एंड जैसे ही मैंने इसका बॉक्स खोला, ग्रीन जो था वो कम्प्लीटली खाली था। इट मीन्स कि चेतन ने मेरे साथ एक प्रैंक कर लिया या फिर इसको पहले यूज करा है। इट्स डिस्गस्टिंग, बट मैंने ग्रीन और डार्क ग्रीन वाइट कलर को मिक्सअप करा एंड मेड अ क्वाइट नाइस ग्रीन, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई एम गोइंग टू पेंट इट विद दिस। सो या, It's gonna be so much hard. Video ko last time dekhiyega. See you there. Oh, hello there. ओके सो गाइज, फाइनली अभी ऑलमोस्ट एक बजने वाले हैं। एंड गाइज, आई कॉन्ट बिलीव दैट कि ये घर मैंने बनाया है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, इट्स क्रेजी। अभी मतलब इसके अंदर विंडोज़ वगैरह टाइप की चीज़ें ढालना बाकी है और अभी तो लाइट्स का भी काम बाकी है। तो या, दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग लाइक गाइज। ये वाली जगह बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लग रही है, हालांकि पीछे वाली साइड कुछ है नहीं, बट लुक एट दिस, मतलब इतनी ज़्यादा डार्क और एकदम हॉरर टाइप में से है ना। और ये वॉल तो मेरी फेवरेट बन चुकी है, इसकी जो मतलब ईंटे टाइप की दिख रही है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है। ओके सो गाइस, मैंने अभी तक जितना भी पेंट जॉब करा है वो आप लोगों को सही से दिखाया नहीं है, दैट हाउ आई डू लाइक शेडिंग वगैरह बहुत सारा काम। एंड इस बात से आई थिंक आप लोग नाराज़ भी होंगे। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं डिटेल्स मतलब जो डेप्थ होती है वो ऐड कैसे करता हूँ। नाउ गाइस, ये जो रूफ़ है इसके अंदर ये जो छोटे छोटे मतलब इसका टेक्सचर जो है उसके हिसाब से इसके कोने के अंदर कलर चला जाता है। हम लोग क्या करेंगे, ब्रश लेंगे, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पानी और ब्लैक कलर ऐड करने वाला है, ये बराबर है, और हम लोग बस इसके ऊपर डालना है। एंड जस्ट लुक एट दिस, ये अपने आप ही ऐसे फैलता जाएगा एंड देन ऑटोमेटिकली शेडिंग हो जाएगी। लुक इट स्टार्टेड टू गेटिंग डार्कर, देखा। तो या, इसी टाइप से मैं करता हूँ एंड अभी मैं आपसे मिलता हूँ इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद। सी यू। ओके सो गाइस, मैंने इसको डार्क कर दिया है एंड लुक नाउ, ये इसके थीम के अकॉर्डिंग लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डार्क और एकदम शेडी लुकिंग लाइक वर्ड, पूरा पूरा टेक्स्चर के साथ में बहुत ज़्यादा एपिक। एंड दिस बिल्डिंग इज़ लुकिंग सो मच कूल। अगर मैं यहाँ पे विंडोज़ भी नहीं ऐड करूँगा, दिस इज़ गोल्ड। एंड अभी मैं ये वाला ऐड करने वाला क्लॉथ, क्योंकि आई कैंट वेट टू पुट डाउन द विंडोज़ एंड लाइट लगाने के लिए। सो या, लेट्स डू दैट। Thank you.
फाइनली 8 बजे से लेकर या फिर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का काम फाइनली हम लोगों ने अपना वर्क पूरा कर लिया है। एंड अब मैं साइंटिशन दरियाज मतलब जाऊँगा। सो या फाइनली वी आर डन दिस एंड गाइस इट्स लुकिंग सो मच गुड। दिस एक सेकेंड, एक और बात बता दूँ कि हम लोगों ने इसके लिए ओनली एंड ओनली 70 या फिर वैसे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ खर्च करे हैं। एंड गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ बना दी मैंने। आई कांट बिलीव दैट कि मैंने बनाया और वो भी इतने ज़्यादा। ओके सो गाइस फाइनली दिस इज़ द फाइनल रिवील। इन्जॉय बॉयज। आप लोगों को मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये पसंद आया होगा। इट्स सो मच टीप। आप लोग चाहे तो खुद भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है बट यू कैन डू दिस। अपने ऊपर भरोसा रखो जस्ट। एंड गाइस मैंने इसके अंदर लाइट भी फिक्स कर दी। यहाँ से होल के अंदर आपको हाथ डालना पड़ता है और उसके बाद में एक स्विच होता है एंड देन जस्ट उसको चालू कर दो। दिख रही लाइट? थोड़ी बहुत दिखी होगी बट अंदर एक लाइट है। अब देखिए, कैन यू सी दिस? ये येलो येलो लाइट ही है। बहुत ही ज़्यादा कूल सी लगती है अगर इसको अंधेरे में रखे तो। एंड गाइस आई रियली होप कि आप लोगों को मेरा ये जो घर है ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड आप चाहें तो मुझे और भी बता सकते हैं। मैं इस टाइप के और भी डायरामास बनाऊँगा। सो मच कूल। देखो मैं इसे हाथ को अपने ऐसे घर पर रखने। सो गाइस फाइनली आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। हिट दैट लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।